बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 33, क्लास 2 इंग्लिश, यूनिट नंबर 6, टॉपिक द बॉय एंड द बियर। सब टॉपिक है मिसिंग लेटर। जैसे कि बॉय और बियर की स्टोरी आप लोगों ने रीड की होगी, ट्रांसलेट की होगी, उसकी सारी स्टोरी क्या थी, बॉय और बियर कैसे उन लोगों की फ्रेंडशिप हुई और वो एक दूसरे के घर के साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के साथ खेलते थे और एक दूसरे के घर रात को स्टे भी कर लेते थे, और वो क्या था कि जो बॉय था वो भी एक बियर बन के उसके घर में रहना चाहता था और जो बियर था वो भी एक बॉय की तरह उसके घर में रहना चाहता था। फिर लास्ट पे ये हुआ कि वो आपस में जस्ट वो खेलना ही चाहते थे कि फिर वो आपस में दोनों अपने अपने घर में चले गए कि वो एक दूसरे के घर में नहीं रहना चाहते थे। तो ये इसकी स्टोरी थी। हम देखते हैं इसका आज जो सब टॉपिक है मिसिंग लेटर्स। सबसे पहले लिव, LIVED, लिव, लिव का मतलब आपको पता है तैर रहना, ठीक है। बाईसाइकिल, BICYCLES, बाईसाइकिल, बाईसाइकिल जैसे साइकिलों साइकिल्स वगैरह बोलते हैं बाईसाइकिल। नेक्स्ट है समटाइम, SOMETIMES, समटाइम्स, ये है समटाइम्स बाज़ुकात को बोलते हैं। यहाँ पे स्लोली, SLOWLY, स्लोली आहिस्तगी से या आहिस्ता। हाउस, HOUSE, हाउस, हाउस बोलते हैं घर को या मकान को। यहाँ पे पाथ, PATH, पाथ, पाथ बोलते हैं बेटा रास्ते को। नेक्स्ट है ड्रीमिंग, DREAMING, ड्रीमिंग, ड्रीमिंग का मीन्स होता है ख्वाब देखना। नेक्स्ट है हाफ वे, HALFWAY, हाफ वे आधा रास्ता। स्टेट, STAYED, स्टेट, स्टेट मीन्स होता है रहना। नेक्स्ट है ओपन, OPENED, ओपन, ओपन मीन्स होता है खोलना, ठीक है स्टूडेंट। ये आप लोगों के मिसिंग लेटर्स थे, यहाँ से आप लोगों ने ये अपने नोट करके अपने नोटबुक पे लिखने हैं और इसके स्पेलिंग्स आप लोगों ने याद करने हैं। ये आप लोगों ने इसके स्पेलिंग्स अच्छे तरीके से सारे याद करने हैं। यहाँ पे तो जैसे ये मिसिंग लेटर में यहाँ पे लिव है, समझो यहाँ पे वी मिसिंग आ रहा है, तो पेपर जब आप लोगों के कोई भी लफ्ज मिस हो सकता है, तो इसलिए आप लोगों ने ये स्पेलिंग्स सारे याद करने हैं, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है, कैन यू गेस व्हाट दीज इनकम्प्लीट वर्ड्स आर। क्लू है दे आर ऑल एनिमल्स, कह रहे हैं कि ये इनकम्प्लीट जो वर्ड्स हैं इनको आपने कम्प्लीट करके लिखना है। क्लू ये है कि ये एनिमल्स हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखें आपके पास ये स्पेलिंग होंगे LPHND, तो आप लोगों ने देखना है एनिमल्स में कौन सा एनिमल ऐसा है जिसमें ये वाले सारे जो हैं वो स्पेल आते हैं। तो ये है एलिफेंट, यहाँ पे देखें ELEPHANT, एलिफेंट। तो स्टूडेंट ये देखें इसमें ये वाले स्पेलिंग आ रहे हैं। यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कौन सा एनिमल है, TGR। अब आप लोग ये देखें ये कौन से एनिमल्स के नेम में यहाँ ये वाला जो स्पेल है ये आते हैं, तो ये है टाइगर, TIGER, टाइगर। नेक्स्ट दे देखें GRFF, ये कौन से एनिमल में ये वाले स्पेल जो है वो आते हैं बेटा, ये ऊपर आएगा, ठीक है। ये जिराफ है, GRAFFE, जिराफ, ठीक है। ये वाला जो है वो जिराफ है, ये वाला यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट है बेटा मंकी, MNKY, मंकी, तो यहाँ पे आप लोगों ने मंकी लिखना है, MONKEY, मंकी। सॉरी ये मिस्टेक होगी, यहाँ पे जिराफ नहीं बेटा आएगा, यहाँ पे आएगा मंकी, MONKEY, क्योंकि आप लोगों को पता है ये MNKY मंकी में ये स्पेलिंग आते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों ने मंकी लिखना है। ये जिराफ जो है यहाँ पे ऊपर आएगा। अब नेक्स्ट देखें जी है, ये ZBR, आपने देखना है ये वाले स्पेल जो है वो कहाँ पे आते हैं, बिल्कुल ये है ज़ेब्रा, ZEBR है ज़ेब्रा। तो स्टूडेंट ये आप लोगों के थे एनिमल्स के नेम, यहाँ पे मिसिंग है कुछ वर्ड्स और यहाँ पे आप लोगों ने कंप्लीट करके वो एनिमल्स के नेम लिखने हैं। यहाँ से नोट करके आप लोगों ने अपनी नोटबुक पे इसको लिखना है और अच्छे तरीके से याद करना है, ओके। अल्लाह हाफिज़।